वेलकम टू माई चैनल, दिस इज़ हिना फैसल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज जो मैं प्रोडक्ट लेकर आई हूँ वो कोरियन स्किन केयर रूटीन की बहुत ही अच्छी और बहुत जो है वो हाईली डिमांडेड क्रीम है, जिसको जो है मैंने ऑर्डर किया है। वो है एडवांस म्यूसिन स्नेल ऑल इन वन क्रीम कॉसर एक्स की। ये मैंने क्रीम बाय की थी 2 महीने पहले और इसको जो है मैंने इसे यूज़ किया, और जब तक मैं उस वक्त तक मैं आप लोगों को किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं दे सकती जब तक जो है मैं उसको खुद पर्सनली तौर पे यूज़ ना कर लूँ। तो मैं वैसे तो स्किन पर आप कुछ भी अप्लाई करें, आप कुछ भी छेड़छाड़ी करें अपनी स्किन के साथ, तो वो फ़ौरन जो है वो बताती है कि आज मेरी स्किन के साथ या मेरे साथ आपने क्या जुल्म किया। तो स्किन पे आप कुछ भी अप्लाई करें वो कम से कम आपको 10 से 15 दिन पहले तो रिज़ल्ट को देती नहीं, लेकिन आपको किसी भी प्रोडक्ट का कंप्लीट रिव्यू अगर देना होता है तो उसको कम से कम जो है वो आप 1 महीना यूज़ करने के बाद ही उसका रिव्यू दे सकते हैं। अच्छा जी, इस प्रोडक्ट के बारे में जो है वो काफ़ी फेमस थी और काफ़ी मैंने इसके बारे में सुन रखा था। आए दिन जो है हर 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जो है काफ़ी पॉपुलर होके जो है वो सोशल मीडिया पे जो है इसका काफ़ी चर्चा और पॉपुलरिटी होती है। तो मैंने सोचा चलिए मैं ये कोरियन स्किन केयर रूटीन जो है वो इसको ऑर्डर करती हूँ, क्या या इसमें है क्या। जब मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की तो मैं काफ़ी इम्प्रेस भी हुई, और स्किन कोरियन की जो स्किन है आप कभी देखिएगा कि ऐसी होती है, बहुत अच्छी, बहुत ही मतलब ग्लास स्किन होती है उनकी। तो मैंने यही सोचकर जो है कोरियन की जो है ये वाली प्रोडक्ट उठाई जो कि इसके बारे में था, इसकी जो ऊपर मैंने रिसर्च की इसके बारे में था, ये ड्राई स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, तो मैंने इसको बाय किया। अच्छा, इस पर लिखा हुआ था म्यूसिन स्नेल। अच्छा, म्यूसिन स्नेल ये क्या होता है? खैर, मैं अभी आपको इसके बारे में बाद में बताऊँगी। सबसे पहले जो है हम इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं कि इसकी जो है बहुत सिंपल सी पैकेजिंग है, येलो एंड ब्लैक और वाइट कलर की, और सिंपल मतलब कोई ज़्यादा फैंसी इसकी पैकेजिंग नहीं हुई भी है। अच्छा, वैसे भी जो है कोरियन की कोई भी आप प्रोडक्ट को जो है वो आप अगर ऑर्डर करते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है और ज़्यादा फैंसी नहीं होती। तो इनका जो कहना है कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स की जो है इनमें जो है सारी की सारी वो इसलिए सिंपल होती हैं कि ये लोग जो है ना पैकेजिंग से ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी पर जो है वो ज़्यादा फोकस रखते हैं, ना कि पैकेजिंग पर। तो इसलिए इन कोरियन की आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अगर आप बाय करेंगे लेंगे तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होगी। तो इसका जो अंदर से जार है वो प्लास्टिक जार है और सिंपल सी इसकी पैकेजिंग है। अच्छा, इसको ओपन करने के बाद जो है ना इसका देखें ये स्लाइमी सा टेक्सचर है, ये देखें सर जो है वो इतना स्लाइमी क्यों है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में जो है वो स्नेल की जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा है। अब जी ये स्नेल क्या होता है तो ये मैं बताती हूँ आपको, ये कैसा एक ऐसा जानवर है जो ज़्यादातर सोया रहता है और उसकी बॉडी से एक ऐसे ग्लैंड से ऐसे स्लाइम सिक्रीट करता है जिसे स्नेल म्यूसिन कहते हैं, और इस स्लाइम में अल्लाह ताला ने ऐसे फ़ायदे रखे हैं जो स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इसीलिए कोरियन की तमाम और ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में स्नेल म्यूसिन जो है वो ऐड होता है। अच्छा जी, इसको यूज़ कैसे करना है? अच्छा, जब मैंने इसे यूज़ किया तो अच्छे से फेस वॉश से मैंने फेस वॉश किया, टोनर लगाया और फिर सीरम के बाद एट द एंड इस क्रीम को रात को मैंने थोड़ी सी अमाउंट में लेकर इसको फेस पर और चीक और चिन पर फोरहेड पर लगाकर हल्के हल्के हाथों से जो है टैप 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 करके मैंने इस क्रीम को डीपली पेनिट्रेट किया। इस तरह से जो क्रीम और सीरम होता है वो डीपली पेनिट्रेट हो जाता है। अच्छा, लाजमी नहीं कि आप ऐसे करें, आप इसको हल्के हाथों से मसाज करके भी इसको डीपली पेनिट्रेट कर सकते हैं। अच्छा, सुबह उठने के बाद मैंने जब इसको यूज़ करने के बाद जब मैंने सुबह उठी तो मैंने अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट और मॉइस्चराइज फील किया और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और बहुत ही यंग और हेल्दी लुक मेरी स्किन पर आ रही थी। इसके बाद स्किन पर बहुत हैवी लुक आपको नहीं आती जब आप इसको क्रीम को लगाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई चीज़ जो है वो थोप ली है। बहुत ही लाइट सी, नॉन ग्रीसी सी जो है वो इसकी फीलिंग आती है
और इसके बारे में मैंने ये सुना है कि ये एक्नी और पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। तो जब मैंने ये सुना था तो मुझे लगा कि शायद आया पता नहीं ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको अप्लाई किया ख़ुद तो मैंने ख़ुद इसको जो है फ़ील किया कि मेरी स्किन पर जो एक्नी के जो थे थोड़े थोड़े से निशान थे, और बाज़ दफ़ा जो है वो टैनिंग स्किन की जो है पर जो है वो हल्की सी पिगमेंटेशन आना जो शुरू हो जाती है वो मेरी काफ़ी हद तक कम हो गई, और इसके जो रिज़ल्ट मुझे आए वो 1 मंथ के बाद बहुत अच्छे रिज़ल्ट। तो मेरी स्किन जो है वैसे बहुत ज़्यादा ड्राई है और मेरी स्किन पर जो है वो एक्नी बहुत ज़्यादा नहीं होती। हाँ, ये होता है कि ड्राई होने की वजह से जो है वो पैचेस आना शुरू हो जाते हैं और रिंकल्स जो है वो हल्की हल्की लाइंस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके यूज़ के बाद जो रिंकल्स फाइन लाइंस थी वो काफ़ी कम हो गई। नंबर 2, मेरी स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो आया, ड्राइनेस ख़त्म हो गई, और इसके अंदर जो है वो स्किन को रिपेयर करने की प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत अच्छी पाई जाती हैं। तो इसने मेरी स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर किया, स्किन पे ग्लो लेकर आया, और जो मेरे हल्के जो है ब्राउन स्पॉट जो होते हैं वो काफ़ी फेड हो गए, अच्छा सा ग्लो और फ्रेश और यूथफुल स्किन मेरी इसको यूज़ करने के बाद। अच्छा, अगर आपको इसके बहुत अच्छे और बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए कि आप पहले अपनी स्किन को अच्छे से जो है वो एक्सफोलिएट करें और इसको जो है रेगुलर जो है नाइट टाइम में इसको यूज़ करें, तो आपको 1 मंथ के बाद ख़ुद अपनी स्किन में बहुत अच्छा और ग्लोई डिफरेंस आपको फील होगा। एक इसमें एक इशू है जो मुझे पसंद नहीं आया कि इसमें कोई स्मेल नहीं है। इसके अलावा ये क्रीम जो है वो मुझे इतनी मेरी फेवरेट है कि इससे पहले जो मैंने और जितनी भी क्रीम्स यूज़ की उससे बहुत डिफरेंट और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप कोई भी कोरियन की कोई भी प्रोडक्ट आप उठाएंगे तो सब बहुत बेहतरीन है। एक दफ़ा आप लोग कोरियन प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपको उसके अलावा कोई प्रोडक्ट आपको अच्छी लगेगी ही नहीं। बहरहाल, मैं जो हूँ ज़्यादातर जो है वो कोरियन प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, और मैं एक एक करके आपके साथ जो है वो तमाम कोरियन प्रोडक्ट्स, कोरियन जो है वो स्किन रिजीम और कोरियन सीरम्स जो है उनका जो है वो आप लोगों के साथ यूज़ भी और उनके जो है रिव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेमेडी रिव्यू के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।